हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं मटन। यहाँ पे गांव में आ गया है मटन। गाँव का जो मटन होता है ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब बना था, तो सोचे कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो मटन को सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे। ये 1 kg मटन है और इसमें जाएगा वही सब मसाला जो हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गोल मिर्च पाउडर जिसे काली मिर्च पाउडर भी बोलते हैं, और 1 चम्मच इसमें जीरा पाउडर जाएगा। साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और तेल डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो प्याज जो है ना, वो जैसे 1 kg मटन है तो 500 ग्राम प्याज यहाँ पे है। तो 500 ग्राम में से 1/2 प्याज हम इसमें डालेंगे और 1/2 प्याज को हम बचा लेंगे क्योंकि इसे फ्राई करेंगे हम। उसके बाद सारी चीज़ को अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे और मटन को हम मैरिनेट करके लगभग 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से मटन बनाने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल वही जो चंपारण वगैरह में जो मटन हांडी में बनता है ना, उसी तरीके का टेस्ट आता है और बना भी था बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे देखिए, और साथ में हम इसमें लहसुन डाल देंगे। तो लहसुन का पेस्ट हम पहले से बना के रखे थे फ्रिज में, और अगर ताज़ा पीस के डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो 1 गांठ लहसुन पूरा डाल दीजिएगा पीस के। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो प्लेट जो था ना, वो थोड़ा छोटा था, तो इस सबको हम डाल दिए कढ़ाई में ताकि अच्छे से इसे मिक्स कर सके, इसके ऊपर मसाले अच्छे से कोट हो जाए। तो मटन को 1/2 घंटे मैरिनेट हुए हो चुका है। तो आप कुकर ले लेंगे, उसमें डाल देंगे तेल। तो तेल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम डाल सकते हैं। और तेल जब पूरा गर्म हो जाएगा तो उसमें 3-4 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच खड़ा जीरा, 10 दाने गोल मिर्च के, और पसंदीदा गरम मसाले जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब डाल दीजिएगा। और साथ में जो 1/2 प्याज हम बचा के रखे थे उसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक, जबकि प्याज का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे जो मैरिनेट करके चिकन मटन रखे थे हम, सॉरी, उसको डाल देंगे। और तेजपत्ता भी फ़ौरन में ज़रूर डालिएगा। मतलब ये सब तो बेसिक मसाले हैं, सबको पता होता है, तो बस इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है ये सब चीज़ बनाना। 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर सब चीज़ को भूनने के बाद हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पे ही इस पर 4-5 सीटी लगा लेंगे ताकि प्याज और मटन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फ्राई करने में भूनने में आसानी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4-5 सीटी आ चुका है, ढक्कन खोलते हैं और प्याज जो है बहुत ही अच्छे से गल चुका है और मटन भी सॉफ्ट हो गया था। तो बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हाई फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए इतने अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इनसे ऑयल रिलीज ना होने लगे। अब मटन चिकन है तो थोड़ा सा कलरफुल तो होना चाहिए, तो इसलिए 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे और साथ साथ में भूनते जाएंगे। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और मटन टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पे देखिए मटन भून रहा है, कैसे ऑयल यहाँ से रिलीज होने लगा है इससे। और इसको भूनने में लगभग हमको 15 से 20 मिनट लग गया था हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। तो यहाँ पे मटन बनकर के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको गांव वाला मटन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।